नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमएस एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो कि डिवाइडेड है दो में, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। तो शुरू करते हैं, पहला पॉइंट हमारा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो शुरू करते हैं, पहला पॉइंट हमारा सब्सटेंस अब्यूज। अब्यूज़ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का गलत तरीके से यूज़ करना जिसकी वजह से नुकसान होता है, दैट इज़ अब्यूज़। अब अपन देखेंगे व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है माल एडिक्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज और रिपीटेड यूज ऑफ सब्सटेंस, इट रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि गलत तरीके से यूज़ करना और बार बार यूज़ करना जिसकी वजह से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट करता है, एंड इट इज़ नोन एज सब्सटेंस अब्यूज। अब DSM ने कुछ क्राइटेरिया दिया है सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए, वो हम देखते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो कि 12 मंथ्स के विद इन अक्कर होते हैं अगर, तो उसे हम सब्सटेंस अब्यूज़ कहेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है, बार बार आप सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हो, लगातार यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से आप लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स है, वर्क है, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि वर्क, जॉब, स्कूल और होम। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिपीटेड एब्सेंसेज इन स्कूल और वर्क, सस्पेंशन और एक्सपल्शन फ्रॉम द स्कूल, नेग्लेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन, या फिर घर का हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बच्चों का नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या स्कूल से हम सस्पेंड हो जा रहे हैं या फिर निकाल दिया जा रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? बार बार हम किसी सब्सटेंस का यूज़ करके जीवन में कुछ कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, सब्सटेंस का लगातार यूज़ करना कोई ऐसे सिचुएशन में जिससे हमको नुकसान हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर कोई मशीन में काम कर रहे हो, अगर उस समय आप सब्सटेंस का यूज़ करेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट है, सब्सटेंस यूज़ के कारण आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, गलत जगह या गलत समय पर आप सब्सटेंस का यूज़ करते पकड़े गए हो और आपको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये था तीसरा पॉइंट, सब्सटेंस यूज़ को जारी रखना जबकि जानते हुए भी कि उसकी वजह से आपका सामाजिक या फिर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम रिजल्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में झगड़ा होना पार्टनर के साथ या फिर किसी के साथ झगड़ा होना। तो ये थे चार पॉइंट। पहला था कि सब्सटेंस यूज़ के कारण आपका जो रोज के वर्क है, मेजर रोल्स है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। सेकेंड, कोई ऐसे सिचुएशन में सब्सटेंस यूज़ करना जिससे आपको फिजिकली हार्म हो रहा है। थर्ड, किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसना। और चौथा, सोशल या फिर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम रिजल्ट कर रहा है। तो ये थे आपके DSM क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस अब्यूज। अब अपन देखेंगे सब्सटेंस डिपेंडेंस, जो कि दो में डिवाइडेड है, फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस क्या होता है? फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें कॉग्निटिव, बिहेवियरल या फिर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स या चेंजेस अक्कर हो रहा है, उसे कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। हम ड्रग को बार बार यूज़ करते रहते हैं ताकि हमें जोश या फिर फुर्ती बना रहे, और यही फिजिकल डिपेंडेंस प्रमोट होता है बाय द फिनोमेना ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? कि हम अपनी डोज, जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसका डोज हम बढ़ा देते हैं या फिर बार बार लेते हैं, ताकि जो प्लेजर हमको पहले कम डोज में मिलता था वो बना रहे। लेकिन वही प्लेजर बना के रखने के लिए हमको या तो डोज बढ़ाना पड़ता है या फिर हम फ्रिक्वेंसी डोज लेने की वो बार बार बढ़ाते रहते हैं। तो ये था फिजिकल डिपेंडेंस। अब देखेंगे हम सेकंड, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। जब एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होता है सब्सटेंस में ताकि उसको एक अच्छा डिज़ायर फील कर सके, तो वो ड्रग को बार बार रिपीट करता है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। वो सोचता है कि वो ड्रग का यूज़ करके खुद को खुश महसूस करता है और जो भी तकलीफें हैं उसको दूर कर रहा है। सो दिस इज़ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अब देखेंगे DSM क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस डिपेंडेंस क्या क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं, उनमें से अगर तीन पॉइंट्स प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस डिपेंडेंस को कंफर्म करता है। तो पहला क्राइटेरिया है एविडेंस ऑफ टॉलरेंस। हमने पहले भी देखा, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हम डोज बढ़ा रहे हैं या बार बार ले रहे हैं ताकि हमको वो प्लेजर बना रहे, वो सेम प्लेजर मिलता रहे जो कि पहले कम डोज में मिलता था। तो ये था आपका पहला पॉइंट, एविडेंस ऑफ टॉलरेंस। सेकेंड पॉइंट है एविडेंस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स।
थर्ड पॉइंट है, सब्सटेंस को हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या फिर बार बार ले रहे हैं पहले की कंपैरिजन में। फोर्थ पॉइंट कि हमें बार बार लग रहा है कि हमें सब्सटेंस और लेना है या फिर हम असफल कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यतीत कर रहे हैं कि किस तरह से हमें वो सब्सटेंस पास में मिल जाए। छठवां पॉइंट, हम लाइफ के कुछ एक्टिविटीज़ को छोड़ दिए हैं या फिर कम कर दिए हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशनल या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि हम सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं। सेवन्थ पॉइंट, हम सब्सटेंस का यूज़ अभी भी जारी रखे हुए हैं जबकि हमको पता है कि सब्सटेंस के यूज़ करने के कारण हमको फिज़िकल या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये थे क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस डिपेंडेंस। पहला था एविडेंस ऑफ टॉलरेंस, एविडेंस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। थर्ड, सब्सटेंस का अमाउंट हम ज़्यादा कर दिए हैं। तीसरा, चौथा, हम लगातार सब्सटेंस का यूज़ करने का डिज़ायर रखे हुए या फिर असफल कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको बंद कर सकें। पाँचवा, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी के बारे में सोच के या उसको पाने के लिए व्यतीत कर रहे हैं, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ सोशल, ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशन को छोड़ दिए हैं या फिर कम कर दिए हैं। और सेवन्थ पॉइंट कि हम उसको तभी भी जारी रखे हुए जबकि पता है कि उससे हमको फिज़िकल या फिर साइकोलॉजिकल लॉस हो रहा है। नेक्स्ट था हमारा सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। इससे पहले हमने देखा सब्सटेंस यूज, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज और सब्सटेंस डिपेंडेंस। अब हम जा रहे हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर के पास, जो कि अगेन डिवाइडेड है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन एंड सब्सटेंस विड्रॉल में। तो पहला अपन देखेंगे सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबल सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम कॉज्ड बाय रीसेंट इंजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब कि हमने रिसेंटली कोई सब्सटेंस को इंजेस्ट किया है या यूज़ किया है, उसके कारण कुछ सिंड्रोम रिजल्ट करता है या सिम्टम्स अपियर होते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। और जो चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस, उसका कारण ये होता है कि सब्सटेंस ने CNS पे इफ़ेक्ट किया है, इस वजह से हमारे में बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। और ये किसका पार्ट है? सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। अब हम देखेंगे DSM क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, जिसमें पहला पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबल सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम कॉज्ड बाय रीसेंट इंजेशन ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि हमने अभी देखा था मीनिंग ऑफ सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन में। सेकेंड पॉइंट है सिग्निफिकेंट मैलेडिक्टिव बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन CS। सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि मैलेडिक्टिव बिहेवियर चेंजेस होते हैं या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है क्योंकि सब्सटेंस ने CNS पे इफेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेयर्ड जजमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इम्पेयर्ड सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, एंड इट डेवलप्स ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर द यूज ऑफ सब्सटेंस। नाउ थर्ड पॉइंट, द सिम्टम्स आर नॉट ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि ये किसी मेडिकल कंडीशन के कारण नहीं होते जो सिम्टम्स अपियर हुए, ना ही ये किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के कारण होते हैं। तो ये तीन क्राइटेरिया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम रिजल्ट करता है आफ्टर इंजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट, मैलेडिक्टिव बिहेवियर या फिर साइकोलॉजिकल चेंज अपियर होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन CNS ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर द यूज ऑफ सब्सटेंस। और तीसरा पॉइंट, जो सिम्टम्स अपियर हुए हैं उसका कारण कोई मेडिकल कंडीशन है नहीं है या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के यूज़ के आफ्टर हुआ है। तो ये तीन थे क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। अब हम देखेंगे सब्सटेंस विड्रॉल के बारे में। सब्सटेंस विड्रॉल इज द डेवलपमेंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक maladaptive बिहेवियर चेंज विथ फिजोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स दैट इज ड्यू टू सिजेशन और रिडक्शन इन हैवी एंड प्रोलॉन्ग सब्सटेंस। मतलब कि अगर हमने हैवी या फिर प्रोलॉन्ग सब्सटेंस यूज़ को कम कर दिया या फिर बंद कर दिया, उसकी वजह से maladaptive बिहेवियर चेंज आते हैं जो कि दिखता है फिजोलॉजिकली या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में, तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंस विड्रॉल। ये हम सभी जानते हैं। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सब्सटेंस विड्रॉल क्या है अकॉर्डिंग टू DSM, जिसमें पहला पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम कॉज बाय सिजेशन और रिडक्शन ऑफ हैवी एंड प्रोलॉन्ग सब्सटेंस अब्यूज, जो कि हमने मीनिंग में देखा था। सेकेंड पॉइंट है सब्सटेंस स्पेसिफिक सिंड्रोम कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, तो
तो सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि सिम्टम्स दिखेंगे, क्या क्या सिग्निफिकेंट या फिर चेंजेस दिखेंगे, डिस्ट्रेस होगा या फिर इम्पेयरमेंट होगा सोशल, ऑक्यूपेशनल या फिर अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेम अगेन टॉक्सिकेशन की तरह जो सिम्टम्स अपियर हुए हैं वो ना तो किसी जनरल मेडिकल कंडीशन के कारण है या फिर अदर मेंटल डिसऑर्डर के कारण है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, सब्सटेंस विदड्रॉल के कारण। तो ये तीन क्राइटेरिया है सब्सटेंस विदड्रॉल की। सबसे पहला पॉइंट जो है वो सिम्टम्स अपियर होंगे क्योंकि हमने ड्रग को चेंज कर रिड्यूस कर दिया या फिर बंद कर दिया है, और जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, डिस्ट्रेस या फिर इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। एंड थर्ड, सिम्टम्स आर नॉट ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन और अदर मेंटल डिसऑर्डर। ये थे हमने टाइप्स ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। पहला हमने देखा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स जिसमें अब्यूज और डिपेंडेंस था। दूसरा सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर जिसमें सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन एंड विड्रॉल था। नेक्स्ट सब टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। आपके फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।